हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच दिस इज नितेश भारद्वाज कैसे हो आप आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे कल जो है हम फिजिक्स के ऊपर 80 प्लस क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आए थे जिसमें से हमने ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन जो है कल पढ़ लिए थे तो आज जो है वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको टैट के ऊपर किसी भी वीडियो की कोई पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो है आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो नंबर आप साथ में लिखकर भेज दीजिए आपको जो है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी और हाँ पीडीएफ के लिए जो है आपको थोड़ा सा अमाउंट जो है देना पड़ेगा आइए चलते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन फॉल फॉरवर्ड द ट्रेन स्टॉप इज ड्यू टू ठीक है क्या क्वेश्चन है कि जब कोई ट्रेन चली हुई है ठीक है एकदम से वो रुक जाती है तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरते हैं ये क्यों गिरते हैं तो ध्यान रखिएगा ये गिरते हैं इनर्सिया ऑफ पैसेंजर की वजह से किसकी इनर्सिया ऑफ पैसेंजर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है वन अ कारपेट इज बीटन बाय स्टिक जब किसी दरी या किसी कारपेट को जो है बीट किया जाता है स्टिक के साथ डस्ट पार्टिकल ड्रॉप डाउन जो द, धूल के कण है वो बाहर निकल जाते हैं ठीक है ये किसकी वजह से होता है तो ध्यान रखिए इनर्सिया ऑफ रेस्ट की वजह से किसकी वजह से इनर्सिया ऑफ रेस्ट की वजह से आगे चलिए रेशो ऑफ फोर्स एंड एक्सलरेशन इज मेजर ऑफ कि रेसो ऑफ फोर्स एफ डिवाइडेड बाय एक्सलेशन ठीक है एफ डिवाइडेड बाय ए क्या होता है वेलोसिटी वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम ठीक है इंपल्स क्या होता है फोर्स इंटू टाइम मोमेंटम क्या होता है मास इंटू विलोसिटी एम वी पी इज टू एम वी तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा राइट right आंसर है नन ऑफ दिस ठीक है क्योंकि रेशो ऑफ फोर्स ओवर एक्सेलरेशन अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है फोर्स होती है मास ओवर एक्सेलरेशन के बराबर ठीक है तो नन यहाँ का आंसर होगा अगला क्वेश्चन है वेन कॉन्स्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म जब कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाएगी बॉडी को तो वो मूव्स करेगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है राइट आंसर है तो वो मूव करेगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगला क्वेश्चन है थर्टी टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय कि दो फोर्स दी गई हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है तो वो निकाला जाता है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू फोर्सेस या तो उनको ऐड करा जाता है या तो उनको सब्ट्रैक्ट करा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन ठीक है हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे वो उनमें से कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन सी है फ्रिक्शन फोर्स यस इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्सिस एयर फ्रिक्शन इट इज ऑल्सो अ कॉन्टेक्ट फोर्सिस मस्कुलर फोर्स इट इज ऑल्सो कॉन्टेक्ट फोर्स ऑप्शन डी आल ऑफ द अब इज अवर राइट आंसर ठीक है यह सभी फोर्सेज जो है कॉन्टेक्ट फोर्सेज है अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन कौन सी है हमारे नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इफ द रेडियर्थ इज डिक्रीज बाय परसेंट फ रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज बाय परसेंट कीपिंग इट्स मास चेंज चेंज इन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो इनवर्सली प्रपोशनल होती है स्केयर ऑफ द रेडियस के किसके इनवर्सली प्रपोशनल होती है स्केयर ऑफ द रेडियस के इसलिए अगर एक परसेंट यह डिक्रीज करती है तो जो एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी है वो इनक्रीज करेगी बाई टू परसेंट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन इफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट अब द सर्फेस ऑफ अर्थ इज सेम एज एट द डेफ एक्स बिलो इट सरफेस दट एक्स क्या होगा टू एच होगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अ पर्सन गोइंग अप इन बैलून वाइल अनदर पर्सन इज गोइंग डाउन इन अर्सन जो है बैलून के ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है दूसरा पर्सन जो किसी माइंड में जो है जमीन से नीचे जा रहा है बहुत हार मेजरिंग द ग्रेविटेशन फोर्स दोनों जो है ग्रेविटेशन फोर्स मेजर करेंगे लेकिन कैसी ध्यान दीजिएगा फील्ड मेजर बाय ए डिग्रीज बाय डिक्रीज़ यस बोथ केसेस में जो है ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो डिक्रीज होती है चाहे आप ऊपर की तरफ जाइए चाहे आप नीचे डेप्थ की तरफ जाइए बोथ केसेस में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी डिक्रीज होगी अगला क्वेश्चन देखिए एट वट हाइट अब सरफेस ऑफ अर्थ जी इज रिड्यूस्ड बाई जीरो पॉइंट वन परसेंट किस हाइट पर जो है तो ध्यान रखिएगा आर डिडेड बाय टू थाउजेंड ठीक है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसको आप याद रख सकते हैं आर डिवाइड बाई टू थाउजेंड हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इफ स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज ध्यान दीजिएगा स्पिनिंग स्पीड कह रहे हैं स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज इन इंक्रीज दैन द दे वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटर इक्वेटर पर वेट ऑफ बॉडी क्या होगी वो डिक्रीज करेगा इफ स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज होगी तो वेट जो इक्वेटर पर होगा वो डिक्रीज होगा एंड इफ स्पीड ऑफ द रोटेशन इज अर्थ की रोटेशन की स्पीड इनक्रीज करें देन वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर क्या होगा वो देखिए मे डिक्रीज हो सकता है या रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ठीक है और ये दोनों राइट right आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए जी इज मैक्सिमम जी मैक्सिमम कहां पर होता है इक्वेटर या पोल पे पोल पे मैक्सिमम होता है क्यों क्योंकि देखिए जो जी होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस पे किसके होता है रेडियस के और आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर पे है इक्वेटर की रेडियस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोल की रेडियस इसलिए पोल की रेडियस कम होगी तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी जहां पर रेडियस ज्यादा होगा जी कम होगा इसलिए जी इज इस मैक्सिमम कहां पर होता है पोल के ऊपर होता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू वेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं ठीक है तो वैल्यू देखिए रेडियस डिक्रीज करेगी अगर रेडियस डिक्रीज करेगा तो जो जी क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो द वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीज वेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल अगर पोल से हम इक्वेटर की तरफ आए देन द वैल्यू ऑफ जी क्या होगी डिक्रीज होगी क्योंकि रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है आपको इनको क्रैम नहीं करना है बस रिलेशन को समझना है रिलेशन अगर आपको एक बार समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी से जो है आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है आप इनका आंसर कर सकते हो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री वेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ द मास इज ध्यान रखिएगा मास हर जगह सेम रहता है ठीक है रिमेन सेम कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए कोई स्टोन है जिसका वेट है थ्री के पानी के अंदर उसका वेट माफ कीजिएगा वेट नहीं मास है थ्री के पानी के अंदर उसका मास क्या होगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा वेट चेंज होता है क्योंकि वेट डिपेंड करता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर लेकिन मास डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर भी मास हर जगह सेम रहता है तो मास क्या होगा रिमेन सेम क्वेश्चन नंबर इज द ट इजॉसिटी वैल्यू है क्या कहती है तो इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड इज द एस्केप दी ऑफ अर्थ ठीक है और मून पर आपको पता कि सिक्स टाइम कम होती है तो इलेवन बाई टू डिड बाई सिक्स जो हो जाएगा ये है एसकेबिलोस्टी कहा की मून की और अर्थ की कितनी है इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड अगला क्वेश्चन देखिए द ऑर्बिटल विलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट एट हाइट एच इज वी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है v देन द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज ध्यान दीजिएगा कई बार इनका रिलेशन भी आपस में पूछा जाता है देखिए जो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम दैट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन अब ये बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो है v ठीक है तो वेलोसिटी क्या होगी अंडरूट टू वी होगी अंडरूट टू वी होगी क्योंकि हमें पता है एस्केप वेलोसिटी वीई और वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है इट इज अंडर रूट टू टाइम दैट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ठीक है तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स एस्केप विलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी एस जो एस्केप विलोसिटी होती है बॉडी की वो किस तरीके से मास पर डिपेंड करती है बॉडी के तो एम रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन ऐसा क्यों किया गया क्योंकि जो एस्केप विलोस्टी होती है वो मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती ठीक है एस्केप विलोस्टी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है सेम रहती है अर्थ के ऊपर ये डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लानिट के ऊपर ठीक है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती इसलिए एम नॉट इक्वल टू वन वेलोसिटी अर्थ के ऊपर एक के लिए भी सेम होगी और एक हाथी के लिए भी जो है सेम होगी ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड वी एंड ऑर्बिटल रेडियस आर इफ इट इज लूज सेम एनर्जी देन अगर यह लूज करता है सम एनर्जी कोई एनर्जी लूज कर रहा है तो क्या होगा वेलोसिटी डिक्रीज करेंगी एंड रेडियस क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन अ प्लेनेटरी मोशन विद रिफरेंस टू सन कौन सी क्वांटिटी जो कॉन्स्टेंट रहती है प्लेनेटरी मोशन में सन के रिस्पेक्ट में तो क्वानिटी एनर्जी इज

द ब्लंट नाइफ ठीक है कोई जो शार्प नाइफ होता है ठीक है वो जल्दी काट देता है ब्लंट ब्लंट नाइफ 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 ऐसा ऐसा क्यों होता 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 है इसलिए होता है 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 इसलिए क्योंकि एरिया एरिया ऑफ ऑफ शार्प जो लेस देन के और हमें पता है जो प्रेशर होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के अगर एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा ठीक है इसलिए देखिए शार्प नाइफ का एरिया कम है प्रेशर ज्यादा होगा तो चीज जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आसानी से कट जाएगा अगला क्वेश्चन है प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर उसे क्या कहते हैं उसे कहा जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर और वन एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर फाइव पास्कल तो आज जो है हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे 51 तक कल जो है हम आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप देख रहे हैं कि वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत